तो आज हम बनाने वाले हैं वाटर कलर से ग्रीन कोकोनट, जो कि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी आ जाता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टील लाइफ के अंदर। तो अब चलते हैं हमारे नारियल के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने कोकोनट का स्केचिंग कर लेंगे, एकदम लाइट लाइट करना है ताकि आपको कलरिंग करते समय दिक्कत नहीं होगी, वो डार्क डार्क लाइंस नहीं दिखेंगी। तो ऐसा कुछ हमारा कोकोनट का स्केच तैयार हो गया है, अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे नारियल का कटा हुआ पार्ट है ऊपर का, तो ये हमारा स्किन कलर का रहेगा। तो स्किन कलर को बनाने के लिए आप सबसे पहले लाइट रेड लेना और उसके अंदर थोड़ा सा येल्लो मिक्स कर देना, फिर ऐसा कुछ टोन आ जाएगा, फिर उससे आप कलरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला वाला लेयर था, अब इसके ऊपर हम ब्राउन कलर से करेंगे। ब्राउन कलर में ज़्यादा पानी लेना है ताकि वो लाइट हो जाएगा और उससे हम शेड करेंगे। ये हमारी शेडो वाली साइड है तो हम इसे डार्क करेंगे और दूसरी साइड्स को थोड़ा सा लाइट करेंगे। तो बाकी के पार्ट्स को शेड करने के लिए सबसे पहले हम पैच दे देंगे डार्क डार्क, मतलब ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपने पैच दे देने हैं जहाँ जहाँ पे डार्क शेड लगाना है, कुछ ऐसे। फिर ऐसे कुछ पैचेस हो जाने के बाद अपने ब्रश को हमें धो लेना है और फिर ऐसे कुछ पानी से मर्ज करना है। फिर हमारे सेंटर के अंदर हम अपना डार्क ब्राउन डाल देंगे, कुछ ऐसे शेड्स दे देंगे, मतलब अंदर डीप है एकदम ऐसा लगेगा। फिर हम थोड़ा सा ब्लैक टिंट भी दे देंगे इसके अंदर। और फिर हम और थोड़े से ब्लैक टोन्स दे देंगे डार्क डार्क, ताकि हमारा और निखर जाएगा वो ऊपर का पार्ट। तो ऊपर का पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट, अब निचले वाले पार्ट को हम ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेस कलर होने वाला है तो लाइट लाइट ही करेंगे। फिर हम हमारा सेकंड हाथ भी दे देंगे, वो डार्क वाला। इस साइड हमारे डार्क साइड है तो इस साइड से डार्क डार्क करते हुए लाइट लाइट करते जाएंगे, कुछ ऐसे। फिर थोड़ा सा और डार्क कर देंगे इस साइड को। धीरे धीरे शेड्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमारा नारियल हमेशा गोल नहीं रहता, वो थोड़ा सा बेंड रहता है, मतलब आड़ा टेढ़ा रहता है, तो उसको अलग अलग साइड से हम थोड़ा सा बेंड दे देंगे डार्क डार्क शेड्स डाल के। फिर हमारे स्ट्रॉ को भी कलर कर देंगे कुछ ऐसे।
फिर उसके नीचे हल्की सी व्हाइट लाइन भी मार देंगे क्योंकि वो लाइट पार्ट दिखाएगा निचला वाला। फिर हमारा नारियल बहुत जगह पे गिरते रहता है, उसको लगता रहता है, तो फिर उसकी स्किन सॉफ्ट नहीं रहती, उसके ऊपर डार्क धब्बे रहते हैं, तो वो भी निकाल देंगे। तो फिर डार्क धब्बे निकालने के बाद उसके ऊपर डार्क ब्लैक का थोड़ा सा शेड दे देंगे। और फिर हमारे ब्राउन धब्बों को भी हम थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक शेड दे देंगे। अब हम इन ब्लैक स्पॉट्स को थोड़ा सा मर्ज कर देंगे उसकी स्किन के साथ, क्योंकि लगना चाहिए ना कि उसकी स्किन को ही लगा है। और फिर सूख जाने के बाद हम उसके अंदर और डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो फिर डिटेल्स ऐड कर देने के बाद हमारा नारियल तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो जो वीडियोस चाहिए और वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये वीडियो कैसे लगी वो भी बता देना और लाइक कर देना। तो बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहना।